मुझे तो ये लगता है दैट यू नो एक्टर्स हैं हम लोग, तो ऑफ कोर्स ये तो है ही कि हमें अपने काम से प्यार है, लेकिन जब दूसरे लोग प्यार दें, वैलिडेशन दें, उनको हमारा काम अच्छा लगे, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा लगता है, गर्व महसूस होता है. अतरंगी एज अ फिल्म स्पेशली आई थिंक इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी वेरी वेरी स्पेशल फॉर मी. मैं बोल चुकी हूँ पहले, मैं फिर बोलूँगी कि 2020 में शायद मेरी ज़िंदगी में एक ही अच्छी चीज़ हुई थी, जो है अतरंगी की शूट. तो जी हाँ, आज उम्मीद है कि मैं उसके लिए कुछ जीतने वाली हूँ. एंड आई थिंक दैट आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू आनंद जी, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू धनुष, आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू अक्षय सर एंड द होल टीम, एंड आई एम हियर टू सेलिब्रेट इट. सो मैं बस खुश हूँ कि 2022 ये जो पूरा साल गया है भूल भुलैया की वजह से, मेरा जिस तरीके का रिस्पॉन्स ऑडियंस का मिला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग रहा है. धमाका के साथ जब लास्ट ईयर आया था तो धमाका ने भी बहुत बड़ा धमाका किया था. मेरे लिए OTT डेब्यू था, स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म में पहली फिल्म कर रहा था, तो मैं बहुत खुश हूँ कि उसको इतना सराहा गया. और जिस तरीके से आज तक अर्जुन पाठक के फैंस और अर्जुन पाठक को इतना स्पेशल जगह फैंस ने रखा हुआ है अपने पास, आई एम जस्ट ग्लैड एंड आई एम जस्ट हैप्पी विद द रिस्पॉन्स. मैं सब दिनों को वैसे ही रहती हूँ जैसे मैं थर्सडे को रहती हूँ, बट यस ऑफकोर्स अब एक अच्छी जो पिक्चर की है जिसका टाइटल है थर्सडे, सो ऑब्वियसली यू नो देयर इज अ ह्यूज, जो भी आप करें एक सिग्निफिकेंस रह जाता है. सो आई एम होपिंग कि इसके बाद बाकी दिनों की भी सीक्वल मिल जाए हमें, तो बाकी दिन भी बहुत अच्छे हो जाएँ.